Good morning, students. Our today's topic is words meaning of lesson number 5, that is Chotu's house. Chotu's house ke word meaning. ठीक है, house. House means मकान. House means मकान. Divide. Divide means बांटना, division करना, हिस्सा करना. Invite means निमंत्रण, बुलाना. Home मैंने घर. Spend means खर्च करना. Traditions. Traditions means परंपरा, रीति रिवाज. Particular. Particular मैंने विशेष, special. Short मैंने छोटा या कम. Garbage मैंने कूड़ा, कबाड़, जो waste होता है. Throw. Throw means फेंकना. Clean means साफ करना, साफ. Help means मदद या सहायता. Parts. Parts means भाग, हिस्सा, portion. Peace means शांति. Peaceful means शांतिपूर्वक या शांति प्रिय. Quarrel. Quarrel means लड़ाई, झगड़ा. Packing. Packing means चुगना या दाना चुगना. Lazy. Lazy means आलसी, सुस्त. Believe means विश्वास. Courtyard means आंगन. Row means पंक्ति, लाइन. Surrounding. Surrounding means आसपास का, आसपास, हमारे जो आसपास जिसको बोलते हैं surroundings. Area means क्षेत्र, स्थान. Okay. सभी इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल नेट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखेंगे. ठीक है, सबको सब वर्ड्स का मीनिंग जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए. देन इट कम्स द क्वेश्चन आंसर. इसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन आंसर आता है छोटूज हाउस का. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. छोटू ने क्या सोचा जब वो पाइप को देखता है. छोटू थॉट, आंसर, छोटू थॉट दैट ही कैन यूज द पाइप एज हाउस. छोटू सोचता है, उसने सोचा कि वो जो पाइप को एक घर के रूप में प्रयोग कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. आंसर, छोटू यूज द पाइप एज ए हाउस. छोटू ने पाइप को एज ए हाउस, घर के रूप में प्रयोग किया. क्वेश्चन नंबर 3, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. इनटू विच पार्ट्स, उसने कितने क्षेत्रों में छोटू ने अपने पाइप को जो है विभाजित किया, डिवाइड किया. एंड इट्स सराउंडिंग एरिया मैंने, एरिया मैंने क्षेत्र, सराउंडिंग मैंने उसके आसपास के क्षेत्र को, उसने कितने भागों में विभाजित किया, बांटा. आंसर, छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू स्लीपिंग रूम, किचन एंड वॉशरूम. उसने पाइप को और उसके सराउंडिंग एरिया को, उसके आसपास के क्षेत्र को, स्लीपिंग रूम में, शयन कक्ष में, किचन में, रसोई में और वॉशरूम में उसको डिवाइड किया, बांटा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप. आप क्या सोचते हैं या क्यों सोचते हैं कि उसने, छोटू ने मोनू को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, बुलाया पाइप में रहने के साथ, अपने साथ पाइप में रहने के लिए. आंसर, छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप बिकॉज छोटू वॉज लिविंग अलोन इन द पाइप. उसने उसको इसलिए निमंत्रित किया, बुलाया, क्योंकि छोटू जो है वो पाइप में अकेला रहता था. अलोन मीन्स अकेला, इन द पाइप, पाइप में अकेला रहता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, हु आल लिव विद यू इन योर हाउस. आपके साथ आपके घर में और कौन रहते हैं. आंसर, ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड मदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल एंड आंट. ये सभी लोग हमारे परिवार में, हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. अपने घर के विभिन्न, अपने घर के साथ अपने घर के विभिन्न हिस्सों को डिवाइड कर दीजिए. राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. अपने घर के विभिन्न हिस्सों के भागों का नाम लिखिए. आंसर, स्लीपिंग रूम जिसको बेडरूम बोलते हैं, ड्राइंग रूम जिसको बैठक बोलते हैं या आगंतुक कक्ष बोलते हैं, डाइनिंग रूम जिसको भोजनालय बोलते हैं, भोजन कक्ष बोलते हैं, गैरेज जहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं गैरेज, वॉशरूम हमारा बाथरूम, टॉयलेट्स हो गए, स्टोर रूम हमारा जो स्टोर रूम हो गया. ओके, ये हम एक अपने घर को विभिन्न हिस्सों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं. हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन. आप अपने हाउस को कैसे साफ सुथरा रखते हैं. नंबर 1, आंसर,
नंबर वन, वी क्लीन डस्ट फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज, हम अपने दरवाजों से और खिड़कियों से डस्ट को, धूल को साफ करते हैं। नंबर दो, नंबर सेकंड इज वी वाइप द फ्लोर ऑफ आवर हाउस एवरी डे, प्रतिदिन हम अपने घर के फर्श को झाड़ू पोछा करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड इज वी क्लीन द कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स एंड बेड शीट्स, वी क्लीन, हम साफ सुथरा करते हैं, साफ करते हैं कर्टेन्स मैंने पर्दों को, टेबल क्लॉथ मैंने मेज पोश जो होते हैं, बेड शीट मैंने हमारी जो बिस्तर की चादर होती है, हम इन सब को साफ रखते हैं। नंबर फोर, वी कैन क्लीन द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, वॉशरूम जो होते हैं ऑफ आवर हाउस विद केमिकल्स, हम जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं, फिनाइल होता है और फिनाइल है और कुछ डालने वाला जो भी केमिकल्स होते हैं बाथरूम में, टॉयलेट्स में, उनको साफ करने के लिए वो हम यूज करते हैं। और इफ यू हैव मोर पॉइंट्स देन यू कैन ऐड, इसके आगे आप जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपको पॉइंट्स पता हैं, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। आपको और भी, आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं आप उसमें जोड़ सकते हैं, ओके। फाइव लिख सकते हैं, सिक्स लिख सकते हैं, सेवन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन ऐड। क्वेश्चन नंबर एट, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, अपने घर का कूड़ा कबाड़, वेस्ट, गार्बेज मीन्स वेस्ट, कहाँ डालते हैं? आंसर, वी थ्रो द गार्बेज ऑफ अवर हाउस इन टू द डस्टबिन, अपने घर के कूड़े कबाड़ को हम डस्टबिन में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, उन चीजों का नाम बताइए जिनके साथ आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, उन चीजों का नाम बताइए जिनके साथ आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने घर की साज सज्जा करते हैं, या अपने घर को सजाते हैं, उसकी सजावट करते हैं। आंसर, वी डेकोरेट अवर हाउस विद रंगोली, फ्लावर्स एंड बैलून्स एटसेट्रा, हम रंगोली की सहायता से, रंगोली बना करके, फ्लावर्स से, पुष्प से और बैलून्स जो गुब्बारे हैं, ठीक है, जो गुब्बारे हैं बैलून्स, उनकी सहायता से अपने घर को सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के आसपास का जो क्षेत्र है वो साफ है? यस, आंसर, यस द एरिया अराउंड माई हाउस इज क्लीन, हाँ जो मेरे घर के आसपास जो क्षेत्र है वो साफ है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड एंड ड्रॉ देयर पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स, उन जानवरों के नाम लिखिए जो रहते हैं हमारे घर में बिना बुलाए, मतलब जो जानवर बिना बुलाए हमारे घर के आसपास आ जाते हैं या हमारे घर में आ जाते हैं, उनका नाम लिखिए और उनकी तस्वीरें डालिए बिना बुलाए, जैसे डॉग, आंसर क्या है, डॉग कुत्ता है, हम नहीं भी पालते तब भी वो हमारे गेट पर आ जाता है, दरवाजे पर आ जाता है। कैट, बिल्ली, ये बिना बुलाए आ जाते हैं, हम इनको कार्ड देकर बुलाने नहीं जाते, ये अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं अनइनवाइटेड, अनइनवाइटेड मतलब बिना बुलाए, और इनवाइटेड क्या होता है, जिसको हम कार्ड देकर बुलाते हैं, जिसको निमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं, ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड, इन्वाइटेड अनइनवाइटेड, ठीक है, इन्वाइटेड का मतलब बुलाना, निमंत्रित करना, अनइनवाइटेड का मतलब बिना बुलाना, बिना बुलाए जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, इन कॉलम्स को मिलाना है आपको। डेकोरेशन, डेकोरेशन, पेरेंट्स, डॉग, डस्टबिन, हाउस, और इसको बी कॉलम में क्या है, एनिमल, रंगोली, गार्बेज, ब्रिक्स, मदर, फादर, ठीक है। डेकोरेशन, डेकोरेशन को किससे मिलाएंगे हम लोग, रंगोली, रंगोली से, पेरेंट्स, मदर, फादर, डॉग, एनिमल, डस्टबिन, गार्बेज, हाउस, हाउस, ब्रिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वन, जो ठीक है उसको चूज करना है, उसको टिक करना है, या टिक द राइट वन, कुछ भी हो सकता है, उसमें से चूज करके ब्लैंक में आपको फिल करना है। वी डेकोरेट अवर हाउस विद, हम अपने घर को सजाते हैं विद, किसकी सहायता से, विद फ्लावर्स के टावर्स, विद फ्लावर्स। वी क्लीन डैश फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज, क्या हम साफ करते हैं दरवाजों से और विंडो से, क्या, मस्ट के डस्ट, डस्ट, आंसर क्या है, डस्ट। नंबर थ्री, वी थ्रो गार्बेज ऑफ आवर हाउस इन टू द डस्टबिन के डस्टबिन, हम अपने घर के कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं कि डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन। छोटू यूज द पाइप एज हाउस के माउस, उसने पाइप को एज ए हाउस यूज किया या एज ए माउस यूज किया, ही यूज द पाइप एज ए हाउस। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स के रिमेंबर्स, हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं अपने परिवार के सदस्यों से, कि
स्मृतियों से, रिमेंबर्स, मेंबर्स मैंने सदस्यों से, मेंबर्स, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। ओके तो सभी इसको कंप्लीट करेंगे, पूरी एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चन आंसर्स को, प्लीज कंप्लीट योर कॉपी, ठीक है, एंड लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइजेस। किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा। ओके, थैंक यू।